तो भाई लोग कैसे हो। तो गाइस काफी टाइम से हम लोग चाह रहे थे कि एंशियंट सीक्रेट मोड वापस आ जाए गेम के अंदर, जहां पे एक फ्लोटिंग पिरामिड होता था जो मूव करता था एंड वहां पे काफी मजा भी आता था खेलने में एंड काफी लोग का फेवरेट मोड भी ये था। तो अगर आपका ये फेवरेट मोड था तो कमेंट में जरूर बताइएगा तो वो मोड वापस आ जाए। तो गाइज आपकी बात क्राफ्टन ने सुन ली है एंड एक तरीके से कह सकते हैं एंशियंट सीक्रेट 2.0 नेक्स्ट अपडेट के साथ आने वाला है। इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे एंड मंथ 13 रॉयल पास का मिथिक सेट कैसा होने वाला है एंड उसके अंदर कौन कौन से रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं ये चीज भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करिए ऐसी ही जानकारी के लिए एंड बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑल पे करना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो एंड वीडियो। तो यहाँ पे फिलहाल गाइस देखिए नेक्स्ट अपडेट के साथ गेम के अंदर इस तरीके की लॉबी आने वाली है एंड ये एक्चुअली एक एनिमेटेड लॉबी होने वाली है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग इन्वेंटरी दिखाते हैं तो इसका लुक कुछ इस तरीके से होने वाला है एंड इस लॉबी पे काफी बढ़िया एनिमेशन है। पहले इस लॉबी का हम लोग नाम देख लेते हैं तो इसका नाम होने वाला है मॉन्यूमेंट टूर थीम। तो काफी सही थीम लग रही है एंड इससे आपको पता चल गया होगा कि एंशियंट सीक्रेट मोड आने वाला है। तो इसका एनिमेशन देखिए पीछे की तरफ किस तरीके से इन्होंने किया है एंड जो कैरेक्टर पीछे मूव कर रहा है इसका नाम होरस है। ये एक एंशियंट गॉड है इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एंड होरस को गॉड ऑफ स्काई भी कहते हैं एंड ये जो पिरामिड्स थे ये हवा में फ्लोट होते थे। तो हमको पता चल गया है किस तरीके से मोड होने वाला है एंड इसे अब नीचे बैठने दीजिए। देखिए इसने सर के ऊपर उठाया हुआ है एक पिरामिड जो हवा में फ्लोट करेगा तो काफी सही मोड ये लग रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या गैसेस है आपके बताना एंड इससे रिलेटेड गेम प्ले आते ही आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड गेम प्ले भी काफी मजेदार होने वाला है एंड बहुत सही सही चीजें आने वाली है। तो फिलहाल गाइज ये देखिए यहाँ पे इतना ह्यूज फैरो आपको दिख रहा है एंड नीचे बंदे जो है इसे गोली मार रहे हैं। तो ये होने वाली है नेक्स्ट अपडेट की लोडिंग स्क्रीन। तो लोडिंग स्क्रीन बहुत ज्यादा ओपी लग रही है। 2.1 का अपडेट है ये होने वाला है वर्जन 2.1। तो अपडेट तो काफी ओपी होने वाला है। गेम प्ले मोड अभी जो इवेंगेलियन वाला आया था वो इतना खास नहीं था तो एक बहुत ही बढ़िया चीज हमें गेम के अंदर देखने मिलने वाली। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम लोग गाइस बढ़ते हैं मंथ 13 रॉयल पास के रिवॉर्ड्स की तरफ। देखिए ये होने वाला है मंथ 13 रॉयल पास का 50 RP का मिथिक सेट। तो फिलहाल इसके सिर्फ इमेज हमारे पास अवेलेबल है, इसका जो वीडियो फॉर्मेट है वो अभी तक मिला नहीं है, बीटा वर्जन पे एडिट नहीं है बट इमेज देख के आपको आइडिया आ रहा है काफी बढ़िया आउटफिट होने वाला है मिथिक वाला। यहाँ पे इसके बाल देखे पिंक कलर के, मास्क भी काफी सही है एंड आंखें देखे इसकी ग्लो कर रही है एंड आउटफिट तो कतई ओपी लग रहा है। तो इसी तरीके का एक आउटफिट काफी टाइम पहले एक रॉयल पास में 100 RP पे आया था। तो इस आउटफिट का नाम गाइज होने वाला है नॉक्टम टेरर सेट। ठीक है इसके टेक्सचर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इन गेम, ये देखिए यहाँ पे आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ बट इसका नाम हमें पता चल गया है एंड जैसे टेक्सचर्स अवेलेबल हो जाएंगे आपके साथ ऑब्वियसली शेयर कर दूंगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो आपने ऑलरेडी दबा के रखा ही है एंड दूसरा यहाँ पे एक लेवल 1 पे लेजेंडरी सेट होने वाला है, वो होने वाला है मेका सैंक्टम सेट। ठीक है तो इसका भी कोई भी अपने पास इमेज या टेक्सचर अवेलेबल नहीं है। फिर एक और लेजेंडरी होने वाला है ट्रेंडी हाइकर सेट। ठीक है तो यहाँ पे आपको पता चल गया इनके नाम एटलीस्ट पता चल गया है। फिर यहाँ पे एक और मिथिक है ये होने वाला है रॉयल ऑरम सेट। ठीक है ये मंथ 14 रॉयल पास का 50 RP का मिथिक होने वाला है, इसका भी गाइस कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सो सॉरी बट कुछ ही दिन में हमारे पास सारी इन्फो आ जाएगी तो आपको मैं दिखाई दूंगा। फिर गाइस मंथ 13 रॉयल पास में गन स्किन कौन सी होने वाली है ये अगर आप लोग सोच रहे हो तो यहाँ पे हम लोग को मिनी 14 की गन स्किन देखने मिलेगी। लेजेंडरी गन स्किन होगी जिसका नाम होगा कार्निवोरस मिनी 14। ठीक है एक मिनी 14 होगी एंड दूसरी गन स्किन जो होने वाली है वो होने वाली है गोल्डन रोज M762। तो बेरिल M762 की गन स्किन भी 113 RP पे आपको देखने मिलेगी। तो आपके पास अगर M762 की अच्छी गन स्किन नहीं है तो आरपी लेना आप कंसीडर कर सकते हो। फिर थर्ड गन स्किन यहाँ पे हमें मिलेगी टॉमी गन की, थॉमसन SMG होगी 113 RP के अंदर। एंड बात करें मंथ 14 की तो यहाँ पे एमरल्ड लीफ PP19 बाइजन मंथ 14 RP के अंदर ये पहली गन रहेगी। इसके बाद दूसरी गन होने वाली है रोजी थॉर्न स्कार एल। तो वापस से ये लोग स्कारेल देने वाले हैं, M416 पता नहीं क्यों नहीं देते, स्कारेल ही दे रहे हैं। फिर यहाँ पे गाइस कुछ अपग्रेडेबल गन स्किन्स भी आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे पहले तो एक वेक्टर आने वाली है जिसे आप लेवल 5 तक अपग्रेड कर सकते हो। टेक्सचर्स तो एडिड नहीं है, इसका इफेक्ट वगैरह यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से होने वाला है। एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट इसका गिल्डेड रीपर वेक्टर। इसके बाद गाइस M416 आने वाली है ग्लोरियस मूवमेंट वाली, तो ये होने वाली है इम्पीरियर स्प्लेंडर M416। तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन करके बताना है
कि क्या ग्लेशियर M416 से गन स्किन बेहतर है, तो यहाँ पे इसका एलिमिनेशन इफेक्ट देखिए किस तरीके से भाई, येलो कलर एंड एनिमेशन बढ़िया है यार। इस गन का लुक पता चलता तो सही रहता, बट यहाँ पे एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट से एक आइडिया लगा सकते हो। एंड साइड में देखिए ईगल की तरह कुछ बनाया है या फिर होरस की तरह बनाया है, तो यहाँ पे फाइनल फॉर्म भी नहीं पता चल रहा, बट ग्रीन कलर में दिया है, तो ये ग्रीन एंड ब्लैक हो सकती है गन मे बी। कुछ और इन्फो इमेजेस रहेगी तो शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। इसके बाद लूट क्रेट का भी कोई आइडिया नहीं है, फिर इसके साथ ग्लोरियस मूवमेंट भी आने वाला है। एंड इसके बाद गाइज एक और गन आएगी जो होने वाली है मिनी 14, इथीरियल ब्यूटी मिनी 14, तो इसे लेवल 5 तक अपग्रेड कर सकते हैं। एंड ये गन्स इजी रहती है कंपैरेटिवली अपग्रेड करने के लिए लेवल 7 या लेवल 8 के गन के कंपेयर में। तो ये कुछ 3 गन्स यहाँ पे हम लोग को गेम के अंदर देखने मिलेगी। इसके बाद आने वाली एक स्कार एल, ये भी ग्लोरियस मूवमेंट तक अपग्रेड होने वाली है, थॉर्न ऑफ मैलिस स्कार एल। तो ये सारी गन्स गाइज मंथ 13 एंड मंथ 14 आरपी के टाइम ड्यूरेशन पे आएगी, पूरा 2 महीना लगेगा उसके अंदर ये गन्स आएंगी 2.1 की अपडेट के अंदर, ठीक है ना। ये देखिए स्कार एल का एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट तो भाई कतई बढ़िया लग रहा है यार। एंड इसका एक लुक इस तरीके से हो सकता है ब्लू एंड गोल्डन में, ओके ठीक है, एक हल्की सी आइडिया हमें यहाँ पे आ चुकी है इस तरीके से गन स्किन हो सकती है। यहाँ पे गाइज मंथ 13 आरपी का अवतार देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको आइडिया आ रहा है किस तरीके से काफी बढ़िया आउटफिट ये होने वाला है। इसके बाद C3S7 का अवतार है एंड यहाँ पे कुछ आरपी अवतार है, बट यहाँ पे देखिए ये एक फ्रेम होने वाली है, तो फ्रेम भी हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट में देखने मिलेगी। फिर ये देखिए गाइज ये होने वाला है मंथ 14 रॉयल पास का मिथिक सेट का एक लुक, ठीक है, तो ये वाला तो भाई क्या ही जबरदस्त लग रहा है यार। इसी के साथ गाइज गोल्डन फैरो का भी एक अपग्रेड आने वाला है जिसे हम 7 स्टार तक अपग्रेड कर सकते हैं, तो उसके टेक्सचर्स उसके वीडियोस वगैरह पता है लाइक दे देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक देना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना, एंड मैं मिलता हूं आपको बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइज एंड टेक